देखिए, सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताएं कि रिपोर्ट चीफ जस्टिस जो कि हमारे यहाँ पहले तत्काल प्रभारी रहे हैं, वो भी जस्टिस के रूप में, और अब आंध्रा कोई रिपोर्ट अगर जुडिशियली है वो भी अगर गवर्नर को दे रहे हैं, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आप किसी न्यायपालिका और इसके संविधान के पद के बैठे हुए व्यक्ति के, अगर अभी तो वो रिपोर्ट मतलब आई है ना, मैंने उसको पढ़ा था क्योंकि इतना 10 वॉल्यूम में है और 4,184 पेज, अब अभी कहाँ से इतना सारी चीजों। अच्छा, दूसरी बात है, अगर आई भी तो वो लीक कैसे हुई, अभी तो मतलब आप ही बता दो कि कैसे लीक हुई, किसने बता दिया, मेरे पास से तो सीधे। और फिर जहां तक है, जब रिपोर्ट आ रही है तो वो क्या मैं क्या पोस्टमैन की तरह उनको दे दूं सरकार को? उनको अगर देना तो सीधे दे देते, मुझे देने की क्या जरूरत थी? तो क्या मुझे भी इस बारे में दिया है तो मैं भी इस बारे में अपने अभिमत लीगल एडवाइजर से नहीं लूंगी क्या कि इस रिपोर्ट को क्या करना है और उसमें से हमें किस तरह का सरकार को निर्देश देना है? तो उस स्थिति में हमको अगर उन्होंने भेजी है, देखा है, तो कानूनी तौर पर तो जो भी नियम बनता है, जिस तरह का हमको कोई वैसा कोई डायरेक्शन नहीं था, तो हमने लीगल ओपिनियन लिया कि इसको रिपोर्ट को आप अपने उनको सरकार को भेज दें, तो सरकार को भेज दी हमने। अब वो तो उन्होंने ओपन ही दिया था मुझे, और बल्कि फोटो भी खींचा था मालूम का, तो ये बस लिफाफे वाली बात ही नहीं। प्रोटोकॉल में आपने शपथ दिलाई है उनको, खाली साफ ही देना था। जो भी है अपने अपने चीजें हैं, मुझमें कुछ नहीं कहना है। बाकी तो क्या है कि ये सारे 10 वॉल्यूम में थी, तो वो 10 वॉल्यूम मुझे बताएंगे ना कि रिपोर्ट में, और पूरा लिखित में देंगे इतने पेज इतने, तो मंत्री आरोप लगा वाली बात क्या? आप जस्टिस को बोलिए ना, मुझसे क्या मतलब है भाई? भाई रिपोर्ट देने वाला कौन है? आयोग है ना, तो उनको मना करने थे। आपने किस आधार पर, किस नियम के तहत मुझे दिया? उनने दिया तो मैंने लिया। उनसे कहिए कि वो जस्टिस से पूछे ना, मैंने थोड़ी मुझे तो पता भी नहीं था कि ये रिपोर्ट है, ठीक है ना।